व्यू आज मैं रिव्यू कर रही हूँ ये एंडलू नेचुरल्स के प्रेस सिरम। ये बिल्कुल नई इनकी प्रोडक्ट आई है। आजकल प्रेस सिरम्स जो हैं वो ज़्यादा इन हैं, लाइक पहले जैसे लिक्विडी सिरम्स होते थे, ये प्रेस सिरम इनको कहते हैं। तो मैं इसका रिव्यू कर देती हूँ आपको। ये वाला इनका फुल साइज़ है सिरम का और एंडलू नेचुरल्स का। और ये जो सिरम है ये है कोरियन ब्रांड है ये। तो ये भी मैंने मंगाया था, ये छोटे साइज़ में मंगवाया था मैंने ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूं और आप लोगों को रिव्यू दे सकूं कि ये दोनों प्रेस सीरम जो हैं वो कैसा वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेती हूँ, एंडलू नेचुरल्स प्रेस सीरम। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको इनफैक्ट मैंने अंडर आई भी यूज़ किया है, जैसे आप देख सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए होता है, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कुछ इतना यूज़ नहीं हुआ हुआ, मगर इसको मैंने हफ्ते से ज़्यादा यूज़ किया है, फिर ही मैं आपको रिव्यू कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए होता है, प्रेस सीरम है, बहुत थिक सी ऐसे क्रीम लग रही होती है, मगर जब ये फेस पे लगता है तो ये मेल्ट हो जाता है बहुत जल्दी और एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये एंडलू नेचुरल ब्रांड जो है ये मेरी फेवरेट ब्रांड है, स्किन केयर लाइन है ये, और यही मैं यूज़ करती हूँ। तो फील फ्री टू वॉच माय वीडियोस कि मैं एंडलू नेचुरल्स के और कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। ये इनकी न्यू लाइन आई थी तो मैंने ये ट्राई किया है और अब इसका मैं फिर रिव्यू आपको दे सकती हूँ, क्योंकि हफ्ता 10 दिन हो गए लाइक आई सेड यूज़ करते हुए। तो ये काफ़ी अच्छा सीरम है, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, स्पेशली अंडर आई एरिया जो है वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया होता है, और अगर ये आप इधर लगाएंगे तो कोई ऐसे ब्रेकआउट या कुछ ऐसा स्किन में इसने नहीं किया। तो आई थिंक ये मेरी न्यू आई क्रीम भी हो सकती है मे बी, और एज अ सीरम तो इसको मैं यूज़ कर ही रही हूँ। उसके बाद जाहिर सी बात है अगर आपकी ड्राई स्किन है, सीरम के बाद आप हमेशा जो है वो मॉइस्चराइज़ करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप मॉइस्चराइज़ करें तो आप इसके बाद मॉइस्चराइज़र अपना लगा सकते हैं। तो ये सीरम हो गया एंडलू नेचुरल्स का, ठीक है, और ये बहुत अच्छा सीरम है, मैं रिकमेंड करती हूँ अगर आप लोगों को परचेस करना है तो आपको ये ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। एंडलू नेचुरल्स क्लीन लाइन, ऑर्गेनिक लाइन, इसके आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ें तो ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ये लोग यूज़ करते हैं, कोई केमिकल्स नहीं होते, पैराबेन फ्री एंड एवरीथिंग, बैड थिंग्स फ्री। सो ये मेरी फेवरेट लाइन है जिसको यूज़ करके स्किन जो है वो अच्छी रहती है। फिर मैंने सोचा कि ये प्रेस सीरम जब इन है तो चलो ये कोरियन वाला भी ट्राई कर लेती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, कोरियन स्किन केयर लाइन इतनी ज़्यादा कोई मेरी फेवरेट नहीं है, क्योंकि बंच ऑफ केमिकल्स होते हैं कोरियन स्किन केयर में। अगर आपको पसंद है तो गो हैड और ये वाला आप इनका सिरम परचेस कर लें, क्योंकि ये वाला सिरम इनका अच्छा है, इसको यूज़ किया है मैंने कुछ दिन, ये किसी मशरूम वगैरह से बना हुआ है तो ये अच्छा सिरम है। तो इफ़ यू लाइक, इसका कलर मैं आपको दिखा देती हूँ, इफ़ यू लाइक कोरियन स्किन केयर तो गो अहेड एंड परचेस दिस, ऑनलाइन ही आपको इजीली अवेलेबल होगा। तो चलें, बेसिकली मेरा प्रेस सीरम्स पे ही रिव्यू था और एंडलू नेचुरल्स ही मैं यूज़ करती हूँ तो मैं यही कंटिन्यू करूँगी यूज़, और इसका रिव्यू मैंने सोचा आप लोगों को दे दूँ। तो चलें, अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।